तो दोस्तों अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर एंड्रॉइड 16 ने बता दिया है गोकू के घर का पता, तो ये लोग उधर निकल चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि गोकू के घर से क्रिलिन ले गोकू को उठा लिया है जो कि जा रहे हैं अभी मास्टर रोशी के आइलैंड पे। और तभी बीच में ही ये बात पता चल जाती है बुलमा के द्वारा कि और एक टाइम मशीन है जो कि नॉर्थ साइड में कहीं तो जंगल में देखने को मिली है, जो कि ट्रंक्स को देखने को मिलती है फैक्स के द्वारा। और ये देखने के बाद ये लोगों के होश उड़ चुके हैं और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब ये लोग उस फोटो को देख ही रहे हैं तभी ट्रंक्स कह देता है कि आखिरकार ये कहाँ पर मिली है, बुलमा को तो पूछो जरा। जहाँ पर क्रिलिन पूछता है कि बुलमा तुम्हें क्या पता है इसका एग्जैक्ट एड्रेस, ये कहाँ से आई है। जहाँ बुलमा कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन इस पे एक जंगल के तरफ का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर तुम लोग भी पहुँचो और मैं भी पहुँचती हूँ। जहाँ ये बात सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक में है और तभी ट्रंक्स कहता है कि मैं जाता हूँ अभी उसे ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो क्या चीज है। तभी गोहान उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी चलता हूँ। तभी चीची चिल्ला देती है कि गोहान तुम कहीं नहीं जा रहे, और फिर किताबें उठाते कहती है कि भाई पहले इसकी पढ़ाई खत्म कर लो फिर ही तुम जा सकते हो, जिसको सुनकर ये लोग नीचे गिर चुके हैं। जहाँ गोहान उठता है और कहता है कि माँ ये मैं आने के बाद भी फिनिश कर सकता हूँ लेकिन पहले मुझे जाना होगा। जहाँ पर गोहान और ट्रंक्स निकल चुके हैं उस साइड की तरफ जहाँ पर टाइम मशीन रखी हुई है। इधर बुलमा डोर खोलती है और अपनी माँ को आवाज देती है जो कि बगीचे में पानी डालने का काम कर रही है कि हे माँ तुम क्या ट्रंक्स को देख लोगी। जहाँ पर उसकी माँ पूछती है कि तुम आखिरकार कहाँ जा रही हो बच्ची। जहाँ बुलमा कह देती है कि मैं ट्रंक्स से ही मिलने जा रही हूँ, इतना कहकर वो उड़ जाती है। अब हम देखते हैं इधर जहाँ पर ये दोनों ही उड़ते हुए जा रहे हैं तभी गोहान पूछता है ट्रंक्स को कि क्या वाकई में सिर्फ एक ही टाइम मशीन थी। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि हाँ एक ही टाइम मशीन थी। और क्या इन एंड्रॉइड्स को मारने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर ट्रंक्स कह देता है कि नहीं कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंड्रॉइड 17 और 18 है इनके ऊपर भरोसा नहीं था डॉक्टर जीरो को, इस वजह से उनका कंट्रोल डॉक्टर जीरो ने ले लिया होगा। लेकिन जैसे ही वेजिटा उस डोर को फोड़ देता है वैसे ही हमें ये चीज पता ही नहीं चलती। क्यों? क्योंकि तब तक देर हो चुकी होती है और एंड्रॉइड 17 ने डॉक्टर जीरो को मार दिया होता है। लेकिन हाँ मुझे 100% यही लग रहा है कि डॉक्टर जीरो नहीं चाहते थे कि सारा कंट्रोल इन दोनों एंड्रॉइड्स के ऊपर ही रख दे। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि बस अब 10 मिनट की दूरी पर नीचे उतरना है तभी आ जाएंगे वो चीज। जहाँ पर ट्रंक्स और गोहान नीचे उतरता है और तभी गोहान कहता है कि हम लोग उसे कहाँ ढूंढेंगे। जहाँ पर गोहान को ट्रंक्स कह देता है कि हम लोग दो तरफ ढूंढते हैं। जहाँ पर गोहान दूसरी साइड ढूंढ रहा है जंगल के नीचे जाकर और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रंक्स ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर गोहान को वो शिप दिख जाती है। जहाँ पर गोहान आवाज देता है ट्रंक्स को तो ट्रंक्स वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर ट्रंक्स कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे शिप हो सकती है क्योंकि हमने तो एक ही शिप बनाई थी। उतने ही समय में बहुत बड़ा आवाज आता है जो कि एक्चुअल में कोई नहीं बुलमा की शिप होती है, जिसको पकड़ने के लिए चले जाता है गोहान क्योंकि वो उसे वहाँ पे उतारना चाहता है। तभी इधर ट्रंक्स बैठा हुआ है गिलेरी के साथ खेल रहा है, उसी वक्त गोहान और बुलमा आ जाते हैं। जहाँ पर बुलमा कहती है कि तुमने मुझे मिस किया क्या ट्रंक्स, क्या लगता है तुम्हें मैं अब जवान हूँ तो तुम मुझसे मिल चुके हो तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें, मैं क्या तब बूढ़ी हो जाऊंगी ना। तभी ट्रंक्स कह देता है कि आप में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, आप जैसी थी वैसी ही हो, जिसको सुनकर बुलमा बहुत ज्यादा शॉक में भी है। अब बुलमा को ट्रंक्स बताता है कि ये देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ। अभी ट्रंक्स अपनी एक कैप्सूल निकालता है, दूर फेंक देता है, जो कि कैप्सूल उसकी होती है जिससे वो आया हुआ होता है। उसके ऊपर सेम वो ही कैप्सूल दिख रही है जो कैप्सूल यहाँ पर भी खड़ी है। अब दो कैप्सूल होने के बाद ये ट्रंक्स कह देता है कि हमने सिर्फ एक ही कैप्सूल बनाई थी, दूसरी कैप्सूल नहीं बनाई थी, यानी दूसरी टाइम ट्रैवल मशीन जो कि ये रही। तभी बुलमा कहती है कि दो मशीन अलग अलग हो सकती है। तभी ट्रंक्स कहता है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो ये जो ओल्ड वाली मशीन है उसको थोड़ा सा हाथ से पोंछ लेता है और दिखाता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है होप, जब मैं उड़कर यहाँ पर आ रहा था तब तुमने ही ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी थी। जो होप का जो लिखा हुआ स्टाइल है, जो फॉन्ट है, वो सेम फॉन्ट इस पुरानी टाइम मशीन के ऊपर भी है और ट्रंक्स के टाइम मशीन के ऊपर भी। जहाँ पर गोहान ऊपर जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो ऊपर का गोला है ये एक्चुअल में अंदर से फटा होगा, तो ये किसने फाड़ा। जहाँ पर ट्रंक्स कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी ट्रंक्स पीछे करता है गोहान को और वो पूरा डोर खोल देता है। जैसे ये डोर खुलता है ट्रंक्स अंदर जाता है तो उसे दो शेल मिलते हैं जिसको देख रहता है वैसे ही गोहान। तभी बुलमा कहती है कि दिखाओ मुझे मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं। जहाँ पर बुलमा को वो दोनों चीज मिल चुकी है, जिसको देखकर बुलमा कहती है कि ये एक्चुअल में कोई अंडा था जिसके अंदर से कोई तो निकला है, ऐसा मुझे लग रहा है। जहाँ पर अभी गोहान और ट्रंक्स ये सोच ही रहे हैं और ट्रंक्स अंदर बैठ के चेक ही कर रहा है कि आखिरकार ये मशीन कब अंदर आई थी। तभी ट्रंक्स को लगता है कि मैं जब फ्रीजा से
लड़ रहा था ना, उसके पहले ही आई होगी ये मशीन, जहाँ पर ट्रंक्स को कुछ चीजें पता चल जाती है कि 3 साल नहीं एक्चुअल में 4 साल पहले आई हुई है ये मशीन। तो इसमें आखिरकार कौन आया होगा, जिसको सुनकर ये लोग शॉक में है। अब हम देखते है इधर मास्टर ओशी के घर के अंदर, जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ क्रिलिन ने सारी चीजें मास्टर ओशी, उलोंग और यामचा को बता दी है। अब ये सारी चीजें बताने के बाद इधर गोकू कैसे तो करके अभी ठीक होने की कगार पर है, तभी उलोंग कह देता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसने क्या कहा कि वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। जहाँ उलोंग कहता है अरे ज्यादा बोलने से मुझे भूख लग गई, तो वो जूस पीने लगता है। तभी मास्टर ओशी उलोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं मास्टर रोशी हूँ, मार्शल आर्ट्स का महारथी जो कि सब लोगों को ढूल चकार चुका हूँ। जहाँ पर उलोंग कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन वो तब की बात थी, अब तुम बस बूढ़े एक सन की बाबा बन चुके हो जो कि हमारे को तंग कर रहे हो। जिसको सुनकर इधर क्रिलिन जो है वो बहुत जोर से हंस देता है। अब इधर हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 18 जो है वो 16 को निहारते जा रही है, जो कि यही कह रही है कि भाई 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ये एंड्रॉइड 18 है इसने पलक तक नहीं झपकाई, इसने आंखें भी नहीं खोली। जहाँ एंड्रॉइड 17 कहता है कि तुम उसको शांत रखने दो ना, तुम क्यों उसको चिढ़ा रही हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा होगा या फिर प्रिपेयर हो रहा होगा गोकू से लड़ने के लिए। पास ही में अभी एक स्टोर है जहाँ पर तुम्हें कपड़े बदलने को मिल जाएंगे, तो क्या तुम चलना चाहोगी। जहाँ एंड्रॉइड 18 कहती है कि थोड़ा फास्ट चलाओ और शौक से मैं चलना चाहूंगी, तभी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इधर अभी बुलमा कुछ कह ही रही होती है, तभी ट्रंक्स कह देता है कि इसको एक्चुअल में यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है, हमें इसको कैप्सूल में तब्दील कर लेना होगा। जहाँ पर ट्रंक्स पुराने वाली मशीन को, गोहान नई वाली मशीन को और शेल उठा लेती है बुलमा। अब ये कैप्सूल में कन्वर्ट होने के बाद ये लोग पास में रख लेते हैं। तभी गोहान को नजर आता है कि यहाँ पर कुछ तो है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। जहाँ गोहान आगे बढ़ता है, जैसे ही वो 2 कदम दूर जाता है तब इधर ट्रंक्स और बुलमा बात ही कर रहे होते हैं, तो गोहान चिल्ला देता है। तभी ये लोग देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा विशालकाय पक्षी है जो कि नीचे गिर चुका है, जो कि एक्चुअल में एक बड़ा सा कीड़ा है जो फट चुका है। जहाँ पर गोहान उसे देखता है, ट्रंक्स उसके देखता है, तभी ट्रंक्स कहता है कि एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि ये अभी अभी मरा होगा। जहाँ पर ट्रंक्स उसके अंदर हाथ डालता है तो वो सारा चिपचिपा और गीला लगने को लगता है। तभी सामने के एक जगह से आवाज आने लगती है। तभी ट्रंक्स और गोहान कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर है। जिसको सुनकर बुलमा भाग जाती है। अब बुलमा कह रही है कि तुम्हें कभी भी लगे तो मुझे फोन कर देना, क्योंकि अभी बुलमा शिप में बैठकर वापस जाने वाली है, तो मुझे फोन कर देना या फिर मैं मास्टर ओशी के घर पे फोन कर दूंगी और कुछ भी रहे तो मेरी याद दे लेना, तो मैं आ जाऊंगी। तभी वो बुलमा वहाँ से उड़ के चली जाती है। अब इधर ट्रंक्स और ये जो गोहान है इनको कुछ नहीं मिलता उस गुफा में, क्योंकि उस गुफा में कोई और है ही नहीं, वहाँ पे चूहे होते हैं। अब ये दोनों भी उड़ के जाते हैं और इधर बुलमा भी उड़ के जा चुकी है। तो अब हम देखते हैं कामे की जगह पर, जहाँ पर कामे नीचे देखकर सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो एंड्रॉइड्स है ये वाकई में अर्थ के लिए कोई खतरा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई और ही है इस खतरे के पीछे। जहाँ मैं पहले जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कौन है, इस वजह से मैं अभी सीधा तुमसे जुड़ नहीं सकता पिकोलो, क्योंकि मुझे जानना है, क्योंकि अगर मैं जुड़ गया और यहाँ पर गार्डियन कोई नहीं बचा तो वो शायद से आकर यहाँ की जगह ले सकता है, तो मुझे पहले कंफर्म करने दो, उसके बाद ही हम एकत्रित होकर लड़ सकते हैं। जहाँ पर पिकोलो कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है। जहाँ कामे कह देता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा, एक्चुअल में मुझे पता चल रहा है कि ये एंड्रॉइड्स नहीं कोई और ही चीज है इस अर्थ को तबाह करने के पीछे। तभी इधर बुलमा उड़ते हुए जा रही है, जिसने अपने पास शेल रख लिए है, और ये लोग पहुंच चुके हैं, यानी एंड्रॉइड्स पहुंच चुके हैं एक शॉप के पास जो कि अभी कपड़े बदलने वाले है। तो ये एक्चुअल में शेल की कहानी क्या है और इसके पीछे कौन है जो कि फर्स्ट ये टाइम ट्रैवल मशीन यहाँ पर लाई गई थी, और ये जो कामे कह रहा है कि एंड्रॉइड्स नहीं कोई और ही है इसके पीछे, तो ये लोग कौन है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।